Good morning, dear friends. सुप्रभात मेरे मित्रों. What a wonderful day it is to know God and to serve God. और कितना धन्य ये मौका हमें मिला है कि हम परमेश्वर को जान और उसे समझ सकें. And I greet you all in the name of Jesus. और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ. And it is good for us to be in the presence of God, sitting quietly and silently, listening to His voice. और ये हमारे लिए लाभ की बात है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं और उसके वाणी से सुनेंगे. Remember, when I speak the word of God. और इसलिए याद रखें, जब मैं बात करता हूँ या कुछ बताता हूँ, ये परमेश्वर का वचन है. And when you hear the word of God, और जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, you are hearing the voice of God. तब आप परमेश्वर की वाणी को सुन रहे हैं. And today we shall continue the meditation we had last time. और इसलिए हम अपने उसी मनन को जारी रखेंगे जो शनिवार को हमने शुरू किया. And this meditation therefore is based on a conversation between Jesus and the Pharisees. और ये जो मनन है ये हमने लिया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय पहले वचन से लेके 9वें वचन तक, जिसमें यीशु मसीह कुछ फारिसियों के संग वार्तालाप कर रहा है. And Pharisees were known for their hypocrisy. और जो फरीसी थे वो अपने कपटीपन के लिए जाने जाते थे. And Jesus always had a problem with the hypocrisy and therefore problem had with the Pharisees and Sadducees. और यीशु की समस्या या यीशु को हर समय कपटी लोग या कपटीपन से बहुत घृणा थी. Because they gave more importance to the traditions passed on to them from the past generation than to God's command. क्योंकि वे उन परंपराओं को बहुत मानते थे जो पुरानी पीढ़ियों से या वंशजों से उन्हें प्राप्त हुई हैं. And the authors of these traditions may not have intended such things. और जिन्होंने इन परंपराओं को बनाया वो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं चाहते थे. Their intentions may have been very pure. और हो सकता है इनकी परंपराओं को बनाने वालों का उद्देश्य तो बहुत शुद्ध हो. But the point of Jesus is, लेकिन यीशु जिस बात को बताना चाह रहा है, that there is a tendency of mere human authority to usurp the authority of God's word. कि मनुष्य के पास कई बार एक ऐसी बात या भावना आ जाती है कि वो परमेश्वर की आज्ञा या परमेश्वर के द्वारा दी गई व्यवस्था को भी दबाए और अपनी आज्ञा और परंपराओं को उस व्यवस्था के ऊपर रख दे. We see it too much in the church today. और इन बातों को आज के दिन में हम कलीसिया में देखते हैं. And we see it too much in the church history. और इस बात को हम कलीसिया के इतिहास में भी देखते हैं. You know what man thinks? और क्या आपको पता है मनुष्य क्या सोचता है? Man thinks God's laws are too many and too strict. और मनुष्य को तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर के कानून, परमेश्वर की व्यवस्था तो कई सारी हैं और बहुत कठोर है. And that is the problem even today. और यही समस्या आज के दिन में भी है. You preach pure God's word. और जब आप सच्चे परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं. And counsel people that they need to follow what is written in God's word. और लोगों को ये परामर्श देते हैं कि उन्हें ये मानने और इस अनुसार चलने की आवश्यकता है जो परमेश्वर के वचन में लिखा है. Or when we try to discipline, bring discipline in the church, and therefore counsel certain people who misbehave and treat the presence of God very shabbily. और इसलिए यहाँ दूसरे हाथ पर जब हम लोगों को अनुशासित करने की कोशिश करते हैं जो परमेश्वर की कलीसिया या उसके भवन को हल्की रीति से आंकते हैं, the complaint always is you are very strict. तब हर बार शिकायत ये आती है कि आप बहुत कठोर हैं. That denomination is not very strict like this. This denomination is not. But why are you so strict? और तब बहानेबाजी का समय शुरू होता है और कहा जाता है कि अरे ये संस्था तो इतनी कठोर नहीं, ये भी संस्था इतनी कठोर नहीं, लेकिन आप क्यों इतने कठोर हैं? And I keep telling them. और मैं उन्हें हर बार ये बताता रहता हूँ. My brother, my sister, I am not strict.
मेरे भाइयों और बहनों, मैं कठोर नहीं हूँ। I am not imposing on you my laws। मैं अपने कानूनों को आपके ऊपर थोप नहीं रहा। Or what I feel। या जो मुझे अच्छा लगता है। I am simply telling you God's word and God's, and if there is any strictness you feel, you go to God and complain to Him। और मैं तो सिर्फ तुम्हें परमेश्वर का वचन बता रहा हूँ जो मुझे मिला है, और यदि कोई उस वचन के प्रति शिकायत है तो परमेश्वर के पास जाएं। And yet, in spite of all thinking of their own concerning the strictness and the number of commandments of God, और इन सारी बातों को सोचने, देखने और परमेश्वर की आज्ञाओं को जो हमें मिली हैं उन्हें देखने के बाद, you know what they do? वो क्या करते हैं? They make more of their own and are precise in keeping them. वो अपनी ही बातों या नियमों या परंपराओं को बना लेते हैं और उन परंपराओं को मानने और उनके अनुसार चलने में बहुत कठोर है। I mean, they are not very strict or precise in keeping the command of God written in God's word. याद रखिए, वे दूसरे हाथ पर परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा उसके वचन के अनुसार जो दी गई है उसको मानने और रखने में इतने कठोर नहीं। We have exalted ecclesiastical laws far above the holy scriptures. और हम लोगों ने कलीसिया के नियमावली या उसके सिद्धांतों को या परंपराओं को परमेश्वर के वचन के ऊपर जगह दे दी। And the disobedience of to these laws, और इन आज्ञाओं के प्रति अनाज्ञाकारिता करना, are punished more severely, उनको दंड दिया जाता है बहुत कठोर रीति से, than open sins of adultery, drunkenness, etc. are punished. इसकी बजाय जब दूसरे हाथों पे जो दिखने वाले पाप हैं जैसे नशेड़ीपन या पीना या लुचपन, इन सारे व्यभिचार, इन पापों के प्रति, how about the extravagant importance attached to monastic vows? और क्या कहें उन बातें, वादे और मन्नतों के बारे में जो हम मांगते हैं या बांधते हैं, vows of celibacy, या वो वादे या वो मन्नतें या वाचाएं कि हम शादी नहीं करेंगे, and keeping feast and fast, या त्योहार मनाएंगे, उत्साह मनाएंगे या उपवास रखेंगे, any these are placed far above the family duties and the ten commandments. और इन सारी बातों को हम कई बार उन 10 आज्ञाओं से और पारिवारिक जिम्मेदारियों से कहीं ऊंचा उठा देते हैं। मच मोर इम्पोर्टेंस प्लेस्ड ऑन ईटिंग मीट ऑन लेंट दैन इम्प्यूरिटी ऑफ लाइफ और मर्डर। हम कई सारा ध्यान और अपने समय को व्यस्त करते हैं कि क्या इस बात को जानने और समझने में कि क्या हम लेंट के दिनों में मीट खा सकते हैं, मांस खा सकते हैं, या दूसरे हाथ पर, जबकि हमें करना ये चाहिए कि पाप या जो गलत बातें हैं उनसे हम कैसे दूर रहें, इम्प्यूरिटी ऑफ लाइफ, या जो जीवन की अशुद्धता है उससे कैसे दूर रहें, और मर्डर, या जो खून है, व्यभिचार है, इससे कैसे दूर रहें। We have not seen or heard of men placing all the importance to the order of service. और हमने, याद रखिए, ऐसे किसी हमने मनुष्य को देखा नहीं जो सभा के हर एक बात को हर एक सिद्ध रीति से करे। Or using certain literacy form in worship. या किसी भी प्रकार की अन्य बातों को आराधना के समय उनका उपयोग करें। These are important. क्योंकि ये बातें तो जरूरी हैं। But then how about repentance? लेकिन साथ ही साथ मन फिराना कितना जरूरी है? Placing your faith in the Lord Jesus Christ. अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह पर रखना कितना जरूरी? How about holiness? और पवित्रता के बारे में क्या कहें? And how about the work of the Holy Spirit in our life? और पवित्र आत्मा के कार्य को जो हमारे जीवनों में होना है उसके बारे में क्या कहें? And believing salvation only by His grace. और उस उद्धार पर निर्भर होना जो सिर्फ उसके अनुग्रह के द्वारा संभव है। We are ignorant of
these. हम इन सारी बातों के बारे में सोचते और जानते नहीं. Because one thing, we don't read the scriptures. क्योंकि हम वचन पढ़ते ही नहीं. We familiarize ourselves with traditions. हम तो सिर्फ परंपराओं को जानना चाहते हैं, उन्हीं परंपराओं से चलना मानते हैं. And this is very sad. और ये बहुत दुख की बात है. And yes, sadly, after 20 centuries. और 20 अब सदियां बीत जाने के बाद भी हम ऐसे ही जी रहे हैं. The spirit of Pharisees is still alive in our churches. और वो कपटीपन की जो आत्मा है, जो फरीसियों की आत्मा है, वो अभी भी कलीसियाओं में जीवित है. The tendency to exalt man's inventions above God's word. ये स्वभाव कि जब हम मनुष्य को परमेश्वर के वचन से ऊंचा उठा देते हैं, is still fearfully prevalent. अभी भी ऐसा स्वभाव कलीसिया के अंदर पाया जाता है. And may we watch against it and be watchful. और होने दे हम इन सारी बातों के प्रति ध्यान रखें और इनके इनसे बच कर रहें. This is Christmas season. और ये तो क्रिसमस का समय है. And in Christmas season, what is the most important to you? और इस क्रिसमस के समय में सबसे जरूरी आपके लिए क्या है? Suddenly the whole family gets involved. और अचानक से पूरा परिवार एक साथ काम करने लगता है. First of all, we need to whitewash or color wash our houses. और पहली बात तो हम घरों को पेंट करवाना शुरू करते हैं. And decorations is very important. और घर को सजाना बहुत जरूरी है. And the Christmas tree has to be placed in the corner. और एक पेड़ को लगाना भी बहुत जरूरी है. And cake making is so very important. और वो केक को बनाना भी बहुत जरूरी है. And we spend at least a couple of days in order to prepare the materials and then go to a baker's place and wait there until your turn comes. और हम कितने घंटे और कितने दिनों को लगा देते हैं सिर्फ उस केक को बनवाने में जब तक उस बेकरी में आपका नंबर ना आ जाए. And our children are more familiar with Santa Claus. और हमारे बच्चों को सेंटा क्लॉस के बारे में ज्यादा पता है. So you ask, what is Christmas? How do you celebrate? और जब वो पूछते हैं कि क्रिसमस क्या है, कैसे इसे मनाते हैं? Oh, we have Christmas tree. और हमारे पास एक क्रिसमस का पेड़ Decorations, है. Decorations. और सजावटें. And house looks nice. और घर बहुत साफ सुथरा नया दिखता and है. And then we are expecting Santa Claus. और फिर हमें लगता है सेंटा क्लॉस आएगा. And they talk about all these. और वो इन सारी बातों के बारे में बात करते But हैं. My friends, let me tell you. लेकिन मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ. Show me one scripture that these have anything to do with Christmas. एक भी कोई भी ऐसा वचन आप मुझे उठा के बाइबल से बता दे जहाँ पर सेंटा क्लॉस, पेड़, चांद, सितारों या सजावट के बारे में लिखा गया है. And then preparing special food on Christmas day. और क्रिसमस के दिन एक अच्छा खाना या 56 भोग बनाना. But Christmas is what? लेकिन ये क्रिसमस है क्या? And our children don't even know about Jesus Christ. और हमारे बच्चे तो यीशु मसीह के बारे में जानते ही नहीं. We are celebrating the birthday of Jesus Christ having no Christ anywhere to be seen. और हम प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं, यीशु मसीह को ही उस जन्मदिन से दूर करके, क्योंकि इस क्रिसमस में वो क्राइस्ट या वो मसीह दिखता ही नहीं. How sad it is. और कितना दुखद ये बात है. We give attach so much importance to these non-biblical, un-Christian things than Christ himself. और हम कितना ही जो आमसीही ये चीजें हैं, अविश्वासी बातें हैं, इनको यीशु के साथ जोड़ देते हैं जिनका वचन में से भी कोई लेना देना नहीं. Christmas means what? इस क्रिसमस का क्या मतलब है? The greatest gift that God has ever given to mankind. और क्रिसमस का मतलब है वो सबसे महान और बड़ा तोहफा जो परमेश्वर ने खुद मनुष्य को दिया. And Christmas is Christ. और ये क्रिसमस का मतलब है प्रभु यीशु मसीह. Nothing else. इससे कुछ भी ज्यादा नहीं. Christian, please be careful what you teach your children about Christmas. इसलिए मसीहों, सावधान हो जाएं कि आप क्रिसमस के बारे में अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं. The outside Christianity, the outside world knows Christmas means Santa Claus and the Christmas trees. These have nothing to do with Christmas at the same time. याद रखिए, क्योंकि बाहरी रूप से जब गैर मसीही
कलीसिया या कलीसिया के विश्वासी को देखते हैं तो उन्हें लगता है क्रिसमस का मतलब है सजावट और पेड़ और वो क्रूस और ये सारी बातें जिनका कोई लेना देना वचन से नहीं। क्रिसमस ट्री, वो जो पेड़ क्रिसमस का हम लगाते हैं, सांता क्लॉस या सांता क्लॉस, दीज आर ऑल नॉन क्रिश्चियन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। और ये तो क्रिसमस को मनाने की गैर मसीही बातें हैं। नो मैन मेड ट्रेडिशंस और इन्वेंशंस कैन एवर बी प्लेस्ड अबव गॉड्स अनचेंजिंग वर्ड। और कोई भी मनुष्य के द्वारा बनाया गया नियम या कोई भी परंपराएं परमेश्वर के वचन से ऊपर नहीं है। Who was born on Christmas day? और क्रिसमस के दिन कौन पैदा Jesus हुआ था? Jesus Christ. यीशु मसीह। And who is Jesus Christ? और ये यीशु मसीह कौन है? Jesus Christ, according to John's Gospel chapter 1, he says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय पहले वचन में जैसा लिखा है कि आदि में वचन था, आ वचन परमेश्वर के पास था, और वचन ही परमेश्वर था। So the birth of Christ was the birth of God's living word. और इसलिए याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह के जन्म का मतलब है परमेश्वर के जीवित वचन का जन्म। It was God becoming into the human flesh. और ये तो परमेश्वर था जिसने देह धारण करी मनुष्य के रूप। To live among us. ताकि हमारे बीच रह सके। That we may through him know God himself. ताकि हम उसके द्वारा पिता को जान सके। How many of you know this? आप में से कितने इस बात को जानते हैं? I pray that you will now open your eyes and see the truth of Christmas. मेरी प्रार्थना यही है कि आप अपनी आंखों को खोलें और क्रिसमस की सच्चाई को जानें और पहचानें। The Pharisees always referred to the traditions of the elders. और इसलिए फरीसी भी इसी समान थे जो पूर्वजों के परंपराओं को बहुत मानते थे। While Jesus always referred to what is written. जबकि दूसरे हाथ पर यीशु मसीह उन बातों के बारे में कहता था जिन बातों को वचन में लिखा गया। What is written in God's word? कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? Let us guard ourselves and our children and our fellowship against any such attempt of a man to force the traditions of man above God because it is convenient. और होने दे हम अपने आप को, अपने परिवारों को, अपने बच्चों को, अपनी कलीसिया को इन सारी परंपराओं से बचा करके रखे जो परंपराएं अपने आप को परमेश्वर और उसके वचन से ऊंचा ठहराती हैं। The result is, और उसका परिणाम ये है, our Christians many do not know what is God's word and what is written in God's word. और इसका परिणाम यह है कि कितने ही मसीही ये नहीं जानते कि परमेश्वर का वचन है क्या या उसमें सत्य रूप से लिखा क्या है। But they live according to the traditions. लेकिन वे सिर्फ परंपराओं के अनुसार जीना चाहते हैं। Which have nothing to do with God. और जिसका इन परंपराओं का परमेश्वर के वचन से कोई लेना देना नहीं। I am not saying that all traditions are false. और मैं ये नहीं कहता कि सारी परंपराएं गलत हैं। But I am saying this. लेकिन मैं ये कहता हूँ। Reject any traditions which is not in conformity with God's unchanging word. ऐसी हर एक परंपरा को आप ठुकरा दें जो परमेश्वर के ना बदलने वाले वचन के अनुसार ना हो। For example, उदाहरण के तौर पर, और इस worship, how do we worship? आराधना कैसे करते हैं? The Gospel according to St. John chapter 23 and 24. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय 23वां और 24वां वचन। Worship the God of the Bible in spirit and in truth and in the beauty of holiness. और परमेश्वर यहोवा परमेश्वर इस बाइबल के परमेश्वर का आराधना हमें करना है आत्मा और सच्चाई से और उस पवित्रता से। Worship is not attached to any place or any temple or any building. और आराधना को किसी भवन किसी मंदिर या किसी संस्था से नहीं रखा गया है। Worship that God desires is the worship of the heart.
और वो आराधना जिसकी इच्छा परमेश्वर को है वो है दिल से निकली एक आराधना. Think about it. इस बारे में सोचें. Be serious about it. इस बारे में गंभीर हो जाएं. Worship. और परमेश्वर का आराधना. In spirit and in truth. सच्चाई, आत्मा और पवित्रता. And the beauty of holiness will be revealed. और उसके द्वारा पवित्रता की सुंदरता आपके जीवन से दिखने पाएगी. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष. You have heard pure word of God. आपने परमेश्वर के सिद्ध वचन को सुना है. Be obedient. And let the blessings of God come upon you. और इसके प्रति आज्ञाकारी बने और होने दे परमेश्वर का आज्ञा और आशीष आपके ऊपर आए. Time is very short, my friends. Jesus Christ is coming very soon. और समय तो बहुत कम है मेरे मित्रों और यीशु जल्द ही आने वाला है. Be ready. और इसलिए आप तैयार रहें. By bowing before Jesus. और यीशु के सामने झुकने के द्वारा. And acknowledging him as your Lord and your Savior. और उसे अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करने के द्वारा. And worship him as such. और उसकी आराधना ऐसे ही करें. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष. May the Holy Spirit and the grace of God help you to follow Christ. और पवित्र आत्मा और परमेश्वर का अनुग्रह आपकी सहायता करे कि आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलने पाएं. Amen. Amen. God bless you. This is a great day. परमेश्वर आप सबको आशीष दे और एक अच्छा दिन है. Live and enjoy your life by the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप इस दिन में जिए और अपने जीवन का आनंद उठाएं. Amen. Amen.